Before I start this video, let me take 30 seconds to tell you something about Exergic. Exergic is India's most trusted and most experienced institute for online GATE preparation. I am Chandresh Mahajan, founder and chief educator at Exergic. I am an All India Rank 37 in GATE Mechanical Engineering, an ex-Indian Oil officer having 7 plus years of teaching experience as of now. These are the GATE 2021 Mechanical Engineering toppers from Exergic. You can find their preparation strategy on Exergic's website. To know more about our GATE courses, you can visit our website or contact us on these details. Also, you can download Exergic GATE preparation app from Google Play Store. The link is available in the description of video. Hello, dear students. Welcome to Exergic. I hope aap और आपके फैमिली मेंबर्स हेल्दी हैं, सेफ हैं और आप मन लगा के गेट 2022 या गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ वीक्स में बहुत से टॉपर्स के आपने इंटरव्यूज देखे, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को समझा और उन्होंने क्या सही किया उसको जाना, उसमें से कुछ इम्प्लीमेंट भी आपने ज़रूर किया होगा, मैं आशा करता हूँ। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि सब लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, करेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन उनकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में वो है और उस वक्त उनको क्या सही फील हुआ, क्या सही लगा, है ना। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है, आप सबकी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते, राइट। आपको जो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई उसको सुनना है, समझना है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके इंप्लीमेंट करना है, करेक्ट। लेकिन उन सभी टॉपर्स में एक कॉमन चीज है कि उन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो सबने अवॉइड की है। सही चीज करना और गलत चीज को ना करना दोनों दो अलग बातें होती हैं। तो उन सब ने अलग अलग सही चीजें की हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो उन सबने अवॉइड की हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उन सबने अवॉइड की हैं। और आपको भी नो मैटर व्हाट स्ट्रेटजी यू अडॉप्ट, वो मिस्टेक्स आपको भी अवॉइड करनी होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितने घंटे एक दिन में पढ़ाई करते हैं, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उन 6 घंटे 10 घंटे 4 घंटे जितने भी देर आप पढ़ रहे हैं, उसमें कितने घंटे की पढ़ाई फोकस्ड होती है, अनडिस्ट्रैक्टेड होती है, आप हैरान हो जाएंगे कि वो बहुत ही, इन रियलिटी वो बहुत ही कम होगी। मैं आपको उसका तरीका बता देता हूं क्या है। जब आप पढ़ने बैठे, ये चीज पर्सनली मैं जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मैं इंप्लीमेंट कर चुका हूं। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो साथ में एक घड़ी लेके बैठे या एक टाइमर लेके बैठे, एज एन एक्सपेरिमेंट आप कंडक्ट कर सकते हैं रियलिटी जानने के लिए। और जब आप एक्चुअली पढ़ रहे हैं, केवल उतनी देर का ही टाइमर ऑन करें और जैसे ही किसी फ्रेंड का फोन आ गया, आप सोशल मीडिया पे निकल लिए पढ़ते पढ़ते या किसी और काम में बिजी हो गए 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए, उस टाइम पे उसको रोक दें टाइमर को। इस तरह से आप टोटल टाइमर से कैलकुलेट करें कि कितने घंटे आपने एक्चुअल में पढ़ा है दिन में। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं 4 घंटे आज पढ़ने बैठा था, लेकिन इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे ना, 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं आएगी वो निकल के, क्योंकि 10 मिनट दोस्त का फोन आ गया, उससे बात हो गई, फिर उसी के बारे में सोच रहे हैं 4-5 मिनट, 15 मिनट वेस्ट वहां पे हो गए, सोशल मीडिया खोल लिया, उस पर कब 10 मिनट 15 मिनट निकले पता ही नहीं चला। पढ़ते पढ़ते हर आधे घंटे में 5 मिनट आपको आदत है फेसबुक चेक करने की, इंस्टाग्राम चेक करने की। ये सारी चीजों का अगर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे ना, तो टाइम के मामले में तो डायरेक्टली ही आपको दिख जाएगा कि अगर आप 4 घंटे बैठे हैं तो उससे, उसमें आप 2.5 घंटे से ज्यादा इफेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं। ये 5-5, 10-10 मिनट की चीजें हैं जो आपको फील नहीं होती है पढ़ते टाइम, लेकिन जब आप इसको इकट्ठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अच्छा खासा पोर्शन है आपके टाइम का। प्लस इसका एक और नुकसान ये है कि जब भी आप डिस्ट्रैक्टेड स्टडी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, नॉट ओनली स्टडीज, कोई भी काम आप डिस्ट्रैक्ट होकर करते हैं या अपना चीजें चेंज करते रहते हैं, बार बार पढ़ रहे थे, फिर 5 मिनट किसी से बात कर ली, फिर 10 मिनट सोशल मीडिया चेक कर लिया, जब भी आप अपनी अटेंशन को शिफ्ट करते हैं, तो जब आप वापस पढ़ाई पे आते हैं या वापस अपने काम पे आते हैं, तो पूरी तरीके से आपका अटेंशन अपने काम पे नहीं आता। जिस जगह आप शिफ्ट हुए थे, आप स्विच हुए थे, वहां कुछ अटेंशन रह जाता है। इट इज प्रूवन साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली, इट इज कॉल्ड एज अटेंशन रेसिड्यू।
आपकी अटेंशन का थोड़ा रेसिड्यू वहां रह जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा बहुत वो चलता रहता है, भले ही आपको फील ना हो रहा हो, बट आपकी अटेंशन थोड़ी बहुत उस चीज में एंगेज रहती है। वो एक इसका और भी बड़ा नुकसान है कि आप पढ़ तो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आप जो सोशल मीडिया पे चेक करके आए हैं, वहां पे आपने ऐसा कुछ देखा जिससे आपको अच्छा लगा, खराब लगा, जो भी चीजें, वो आपके बैक ऑफ द माइंड में चलती रहेंगी और आपके करंट जो स्टडी है उसको इफेक्ट करेगी। ये एक बहुत ही कॉमन चीज है जो आज के टाइम पे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। आप में से सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं इस वक्त, और आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें तो कुछ भी होगा, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है, क्या करें। हर चीज का समाधान है, हर समस्या का समाधान है दुनिया में। ये बहुत ही सिंपल सी समस्या है। अच्छे अच्छे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपकी नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देंगे। इवन आपके फोन्स में ही या लैपटॉप्स में भी डू नॉट डिस्टर्ब के मोड अवेलेबल है। आप उसको ऑन करके पढ़िए। इन जनरली नोटिफिकेशंस बंद रखिए। मेरे फोन में नोटिफिकेशंस बंद रहते हैं, मुझे नोटिफिकेशंस आते ही नहीं है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट है। जब मैं उससे फ्री हो जाऊंगा तब मैं अलग से उन चीजों को देख लूंगा। इस चीज को आप भी इंप्लीमेंट कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑफ रखिए, क्योंकि मैक्सिमम नोटिफिकेशन आप देखेंगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा ऐप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के लिए, उसका नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन रख सकते हैं। इसके ऐप्स अवेलेबल हैं। ऐसे ऐप्स जो आपके सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्टिंग जो भी ऐप्स आप यूज करते हैं उनको ब्लॉक कर दें, उनका टाइम लिमिट कर दें। हर चीज के ऐसे समाधान फ्री अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर पॉसिबल ही नहीं है फोकस होकर स्टडी करना क्योंकि हम लैपटॉप में पढ़ रहे हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो ये बात गलत है। ऐसे ऐप्स और सॉल्यूशंस फ्री अवेलेबल हैं जिससे आप फुल्ली फोकस्ड स्टडी इंश्योर कर सकते हैं, स्क्रीन पे पढ़ते हुए भी, लैपटॉप या मोबाइल पे पढ़ते हुए भी। तो ये चीज एक ऐसी मिस्टेक है जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। ये एक ऐसा हिडन टाइम वेस्ट है जो आपको फील नहीं होता। आपको लगेगा मैं 4 घंटे बैठ के पढ़ाऊं, यार मैं तो 4 घंटे पढ़ता हूं डेली, लेकिन एक्चुअल इफेक्टिव फोकस स्टडी 4 घंटे नहीं होती है। ऑब्वियसली जब भी आप बैठो 4 घंटे, 10 मिनट 15 मिनट बीच में आप ब्रेक लोगे ही लोगे, बट ब्रेक में आप ऐसा कुछ काम मत करो जिससे आप और डिस्ट्रैक्ट हो। आप रिलैक्स हो, आंख बंद करके बैठ सकते हो, गाने सुन सकते हो रिलैक्स होने के लिए, बट ऐसी कोई भी चीज जो आपके अटेंशन को शिफ्ट कर दे उसको आप अवॉइड करो जब भी आप ब्रेक लो। इज इट क्लियर? जैसा कि मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बोल चुका हूं कि मैक्सिमम लोग डिसिप्लिन नहीं है, वो मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं। वो क्या करेंगे कि अचानक से एक दिन मोटिवेटेड फील करेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, फिर 2 दिन हवा निकल जाएगी, रिलैक्स करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बात करेंगे। ये अप्रोच बहुत ही डेंजरस है, कहीं पे भी डेंजरस है, गेट या उसके अलावा किसी और एग्जाम में या इन जनरल आपके लाइफ के दूसरे चीजों में भी। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 4+4+4 विच इज इक्वल टू 12, राइट? बट एक्चुअली इट इज मोर देन 12+0+0। वट डज दैट मीन? कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं गेट के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और आप सोचते हैं कि मैं एक दिन 12 घंटे पढ़ लेता हूं और फिर 2 दिन रिलैक्स करूंगा, ये अप्रोच सही नहीं है। इससे बेटर ये अप्रोच है कि आप भले ही डेली 12 घंटे ना पढ़े, उससे कम पढ़े, लेकिन रोज पढ़े। 4+4+4, 4 घंटा आप 3 दिन पढ़ रहे हैं और 12 घंटा एक दिन पढ़ के 2 दिन सो रहे हैं, ये वाली अप्रोच हमेशा ही बेटर है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इन जनरल कोई भी चीज हो आपके लाइफ में। तो इररेगुलर स्टडी को आपको अवॉइड करना है, आपको अपने अंदर वो डिसिप्लिन लाना है कि मुझे डेली चाहे जो भी हो जाए गेट के लिए पढ़ने के लिए एक टाइम निकालना है, मिनिमम इतने आवर्स को निकालना ही निकालना है, चाहे मैं जॉब में हूं, कॉलेज में हूं, कहीं पे भी हूं। ऐसे वीडियोस में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि इवन इफ आप कॉलेज में हैं, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, तब भी आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, जो पर्सनली मैंने किया है। और गेट 2021 के टॉपर्स जिनसे मेरी बात हुई है, एक्सर्जिक के जो टॉपर्स हैं, मैक्सिमम सभी लोगों ने उस चीज को अप्लाई किया है। ये सब गाइडेंस मैं ऑलरेडी दे चुका हूं अपने दूसरे यूट्यूब वीडियोस में, उसको आप रेफर कीजिए, समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए। बट इस चीज को मत भूलिए कि इररेगुलर स्टडी इज नॉट द सॉल्यूशन। आपको रेगुलर होना ही पड़ेगा, अपने अंदर उस डिसिप्लिन को लाना ही पड़ेगा कि आप डेली पढ़ें, किसी भी दिन स्टडी को स्किप ना करें, मिस ना करें। दैट इज अ बेटर अप्रोच रादर देन कि एक दिन तो आप जोश में पढ़ रहे हैं और उसके बाद 2 दिन होश खो के सो रहे हैं। क्लियर? जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं
एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना एक टाइम बेस्ड टारगेट है, एक टाइम बेस्ड गोल है, जो आपको केवल अचीव नहीं करना है, आपको एक लिमिटेड टाइम में अचीव करना है। ये नहीं है कि गेट कभी ना कभी क्रैक करना है 5 साल 10 साल में, आपको वो नियरेस्ट टाइम में क्रैक करना है। जब भी आपके पास कोई भी ऐसा टाइम बेस्ड गोल होता है, हमेशा आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए, एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि मैं किस महीने में कितना सब्जेक्ट कवर करूंगा, कितना सिलेबस कवर करूंगा, कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं जो चीजें सीख रहा हूं वो मैं उसको कैसे रजिस्टर करूंगा नोट्स में, मेरे नोट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये सारी छोटी छोटी चीजें टाइमलाइन के साथ आपके पास होनी चाहिए, एक रफ प्लान आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम आप मास्टर प्लान बनाइए, हर दिन की चीजें लिख लीजिए, वो सबके एंड पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक रफ प्लान होना चाहिए, एक रफ वीकली प्लान, एक रफ मंथली प्लान कि किस वीक किस महीने में कितना सिलेबस कवर करने का टारगेट कर रहा हूं, कैसे मैं रिवीजन, क्वेश्चन सॉल्विंग, नोट्स मेकिंग, इन सब को इसके साथ पैरेलल मैनेज कर रहा हूं। ये सिचुएशन डिपेंड करेगी, आप जॉब में हैं, कॉलेज में हैं, फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, बट आपको इंश्योर करना ही होगा कि कुछ ना कुछ प्लान आपको बनाना है, टाइमलाइन बनानी है और पूरी कोशिश करनी है कि उस टाइमलाइन पे आप स्टिक करें। हो सकता है आपको प्लान मॉडिफाई करना पड़े, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, क्या पता एक महीने बाद आपको फील हो कि नहीं इस चीज में यार ये ठीक नहीं लग रहा है तरीका, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं। बिल्कुल कीजिए, कंटिन्यूअसली एनालाइज करिए अपने प्लान को, अपनी टाइमलाइन को। इट इज वे बेटर देन नॉट हैविंग अ टाइमलाइन, इस चीज को समझिए। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जब टाइम काफी होता है, जब वो अप्रैल में है, मई में है, जून में है, इवन जुलाई में भी है, दे स्लैक, दे रिलैक्स, उनको लगता है बहुत टाइम है अभी, तो अगले साल है यार, फेब में देखेंगे। लेकिन जब टाइम कम बचता है तो वो करते हैं पैनिक। दोनों ही चीजें गलत हैं, है ना। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, आपको फील हो रहा होगा कि बहुत टाइम है, अगर आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे कि आखिरी के एक महीना मैं मॉक टेस्ट दूंगा फुल लेंथ, उसके एक महीना ज्यादा टाइम मैं रिविजन पे दूंगा, तो आपको रियलाइज होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसीलिए टाइमलाइन बनाइए, टाइम की कदर कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आप उस टाइमलाइन पे स्टिक करें, टाइमलाइन बना के उसको कवर्ड में बंद करके ना रख दें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझें और इंप्लीमेंट करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट ने एक्सर्जिक का कोर्स एनरोल किया है, एक्सर्जिक के कोर्स से वो पढ़ रहा है, ठीक है, वो कंटेंट को पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है, वो खुश है कि सर समझा रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, सर एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसमें जो भी चीजें मिस्टेक्स मैं कर सकता हूं वो बता रहे हैं, सब सर ने बता दिया, ठीक है, थ्योरी पार्ट, क्वेश्चन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट सब बता दिया। उसे ऐसा फील होता है कि अब मैंने उस सबको सुन लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिया, मेरा काम खत्म, अब मैं बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब इसको देखूंगा। ये बहुत ही गलत अप्रोच है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप अगर कोई और भी कोर्स देख रहे हैं उसके लिए भी ये वैलिड है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का उतना ही वेटेज है जितना कि कंटेंट और उसकी क्वालिटी का है जहां से आप पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं कहां से पढ़ रहा हूं, मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब समझ में आ रहा है मुझे और वो ही काफी है बस। ऐसा नहीं होता है। जब तक आप खुद पेन नहीं उठाएंगे, कॉपी पे पेन चलाएंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। ये चीज समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस एक सही कोर्स से पढ़ने और समझने की है। नो मैटर कोर्स के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, जो भी चीजें हैं, खुद आपको पेन उठाना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वर्चुअल कैलकुलेटर से फेमिलियर होना है, कंफर्टेबल होना है। इस चीज को आप प्लीज समझिए, क्वेश्चन सॉल्विंग को, नो मैटर आप कितना ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं किसी लेक्चर को देख के, उसकी एग्जांपल्स को देख के, बट अगर आपने पेन उठा के उस टॉपिक के ऊपर अच्छे क्वालिटी के, अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, वो टॉपिक आपका इनकम्प्लीट है, नो मैटर आपको किसने पढ़ा दिया दुनिया में। इस चीज को आप समझिए, क्वेश्चन सॉल्विंग का वेटेज इग्नोर मत कीजिए, नो मैटर आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं किसी भी लेक्चर को देख के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको समझिए और हो सकता है जितनी जल्दी इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए, जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें सिली मिस्टेक करेंगे तो आपको पता चलेगा
कि सिली मिस्टेक्स और जो भी डिफरेंट तरीके की मिस्टेक्स आप करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, राउंड ऑफ में मिस्टेक्स, ये सारी चीज़ें कितनी क्रूशियल हैं गेट के लिए, तब आपको और ज़्यादा फील होगा। तो इस चीज़ से डरिए मत, ये मत देखिए कि आपके मार्क्स शुरू में कम आ रहे हैं या क्या सिचुएशन है। आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और इसी में आता है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना। और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स बहुत गलत अप्रोच अप्लाई करते हैं जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में डिस्कशन चल रहा है या वो आपस में शेयर कर रहे हैं, उनके माइंड में एक स्ट्रेटजी फिट हो गई है पता नहीं कहाँ से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 5 बार करो, 10 बार करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बहुत ही इनइफेक्टिव स्ट्रेटजी है, ये कभी 20 साल पहले काम करती होगी लेकिन ये स्ट्रेटजी अब काम नहीं करेगी कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 बार कर दिए, 5 बार कर दिए, आंसर याद हो गए आपको और आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। पहली चीज समझिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्यों कर रहे हो। आप इसीलिए नहीं कर रहे हो कि वो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा गेट में, हाँ कभी कभी आ सकता है। रिसेंट गेट 2021 में ही एक क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का ऑलमोस्ट सेम आया हुआ है प्रीवियस ईयर में जो आया था उसके जैसा ही, लेकिन वो आपका टारगेट नहीं है। आ गया तो आ गया, नहीं भी आता तो डजंट मैटर, वो आपका टारगेट नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने में आपका टारगेट होना चाहिए कि किसी भी एक क्वेश्चन से मैं कितनी मैक्सिमम लर्निंग खींच सकता हूं, क्योंकि अगर वो सवाल गेट ने पूछा है तो उस सवाल के वेरिएशन भी गेट में आ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके भी गेट में पूछा जा सकता है, और नहीं भी पूछा जा सकता तो आपकी खुद की लर्निंग के लिए तो इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं PYQ जिसको मैंने लिखा है, या पास्ट ईयर क्वेश्चन जो भी आप बोलते हैं, उसको सही अप्रोच से सॉल्व करना जरूरी है। आप भले एक बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, बट ऐसे सॉल्व करो कि हर क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल वेरिएशन पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में क्या क्या गलतियां मैं कर सकता हूं, यही क्वेश्चन में अगर इस डेटा को अलग तरीके से पूछा जाता तो क्या होता, अगर डायग्राम ही नहीं देता गेट इस क्वेश्चन में तो क्या होता, क्या मैं डायग्राम बना लेता, समझ लेता सिचुएशन को। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको उसमें सीखनी है। ये चीज़ जो है अभी Exergic 1 जो मैंने लॉन्च किया है उसमें ये चीज़ इंक्लूड मैं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ें, और एकदम नेक्स्ट लेवल अनमैचेबल लर्निंग होने वाली है ये, जिसमें कि ऐसी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कि अरे यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, ये इतना टफ कैसे हो गया, एक छोटा सा वेरिएशन, फ्रिक्शन यहाँ से वहाँ हुआ, डायरेक्शन यहाँ से वहाँ हुई और क्वेश्चन चेंज और बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये चीज़ मैं आपको Exergic 1 के अंदर बहुत अच्छे से दिखाऊंगा, कुछ उसके वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लगे कि ये चीज़ मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। डोंट थिंक कि मैं ये बात हवा में कर रहा हूँ, जब मैंने प्रिपेयर किया मैंने भी ऐसे ही प्रिपेयर किया, मैंने 10 बार 5 बार नहीं सॉल्व किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओनली 2 टाइम सॉल्व किए मैंने, लेकिन इस तरीके से किए हैं कि प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वेरिएशन करके आएगा तो इस सिचुएशन इस कंडीशन में मैं होना चाहिए कि उसको मैं इजीली सॉल्व कर सकूं, उससे ऐसी लर्निंग ले सकूं कि मेरी नॉलेज और स्किल एक लेवल ऊपर चली जाए किसी भी अदर रेगुलर गेट एस्पिरेंट के। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको, आप इनफैक्ट यूट्यूब के जो मेरे पुराने कुछ वीडियोज हैं, पुराने मतलब पिछले कुछ महीनों के, उनको आप देख के अगर आइडिया लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा। उस अप्रोच को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, जो आपको लर्निंग मिलेगी नेक्स्ट लेवल लर्निंग होगी उस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एनीवे, तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि मैं चाहता हूँ कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या प्रोफाइल है, अभी आप कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, इन 5 मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना ही करना है अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट गेट अटेम्प्ट में आपका स्कोर बहुत अच्छा आए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।